बीबीएस की पढ़ाई करने के लिए छात्रा बांग्लादेश गई हुई थी। वहां आरक्षण प्रोटेस्ट लेकर स्थितियां खराब है। छात्रा ने बताया कि भारत सरकार की एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की, कॉलेज से एयरपोर्ट तक हमें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई। मुरादाबाद की जिगर कॉलोनी की रहने वाली सना हसन बांग्लादेश के ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। वहां पर उसका यह तीसरा साल था। इस दौरान आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट के बाद हालत बिगड़ गए। प्रोटेस्ट की दूरी उसके कॉलेज से 3 किलोमीटर थी। सना ने बताया कि कॉलेज की छत से प्रोटेस्ट करते छात्र साफ नजर आ रहे थे। इस दौरान इंटरनेट और मोबाइल सर्विस वहां की सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दी थी, जिस कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने शहर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सकुशल वापस लौट आई। बांग्लादेश के छात्र आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। हालत इतने बिगड़े कि उसके कॉलेज से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ चल रहा था। इस दौरान वह अपने साथियों के साथ हॉस्टल में कई दिनों तक बंद रही। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां की सरकार को पुलिस और मिलिट्री का सहयोग लेना पड़ा। हालातों को बिगड़ता हुआ देखते हुए मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा भी बंद करा दी गई। इस दौरान वह अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। भारत सरकार से संपर्क किया तो उसे कहा गया कि आप हॉस्टल में ही रहिए, लेकिन भारत सरकार से उसे कोई आश्वासन और आने के लिए सहायता नहीं मिली। आखिर थक हार कर उसने साथियों के साथ भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी क्योंकि माहौल खराब था, डर का माहौल था। इस दौरान सना हसन के साथी स्टूडेंट ने फ्लाइट से अपनी टिकट बुक कराई। सना ने बताया कि फ्लाइट कंपनी ने मौके का फायदा उठाया और टिकट 3 गुना महंगे कर दिए, फिर भी मजबूरी में उन्हें महंगे टिकट खरीदने पड़े। सना के साथ स्टूडेंट 12 घंटे एयरपोर्ट पर रहे, वहीं उन्होंने खाना खाया। सना के पिता आसिफ हसन ने बताया बेटी को लेकर वह चिंता में थे, बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। 40-50 बार कॉल करने के बाद एक बार कॉल लगता था, उसमें भी आवाज नहीं आती थी। विशाल कुमार की रिपोर्ट। से MBBS कर रही हूँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है अभी, और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। वहाँ पे स्टूडेंट्स किसी कोटा सिस्टम को लेके प्रोटेस्ट पर उतरे हैं, तो हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। जब हमें न्यूज़ मिली कि स्टूडेंट्स को किल किया जा रहा है वहाँ पे, तो फिर हमें लगा कि शायद सिचुएशन कुछ सीरियस है। फिर 2 दिन बाद वहाँ पे हमारा नेट बंद कर दिया, वाईफाई भी बंद कर दिया। हम लोग घर से बात भी नहीं कर पा रहे थे, घर वाले भी बहुत परेशान थे, वो लोग भी नहीं सो पाते थे, हम भी नहीं सो पाते थे वहाँ पे। हमें डर रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा हॉस्टल में, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हॉस्टल वालों ने कॉलेज वालों ने हमें अच्छी सिक्योरिटी दे रखी थी। वो ऐसी सिचुएशन क्यों आई, कैसे क्या हो गया था? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत जोश था कि हम लोग अपनी जो बात है हम उसे मनवा के रहेंगे, बट गवर्नमेंट ने उनका थोड़ा प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं मान सकते हैं ऐसे, तो इसीलिए गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच कुछ लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे वो खड़े रहे अपने हक के लिए, उन्होंने अच्छे से लड़ा। हमारे सारे बैचमेट्स भी उस सब में इन्वॉल्व थे, वो सब भी बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन परेशानी हम लोगों को हो रही थी क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह गए थे, जितने भी बंगाली फ्रेंड्स थे हमारे वो सब अपने घर जा चुके थे, 1-2 लोग इंडिया बचे के थे। कितने लोग थे वहाँ? इंडिया के हमारे हॉस्टल में 200 हैं लोग, और बॉयज़ हॉस्टल में भी इतने हैं। इंडिया वापसी में आपको क्या क्या दिक्कतें, कोई परेशानी या भारत सरकार से कोई आपको कोई हेल्प मिली हो? हमें इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की, वो लोग हमारे टच में थे, हमारे पेरेंट्स के भी टच में थे। इंडियन एम्बेसी से हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है एयरपोर्ट जाते टाइम। उन्होंने बोला जब तुम लोग निकलोगे हमें बस का नंबर देना, हम लोग रास्ते में जितनी भी तुम्हें पुलिस स्टेशंस पड़ेंगे हम उनसे तुम्हारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और उनकी वजह से हम लोग सेफली एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। वरना एयरपोर्ट तक जाते जाते भी बहुत माहौल ख़राब था वहाँ पर, हमने खुद देखा कार्स वगैरह सब जली पड़ी थी और रोड्स पर भी काफ़ी मार्बल्स वगैरह पड़े थे। लड़ाई का पूरा लग रहा था कि यहाँ बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई है, लेकिन एम्बेसी का साथ था, कॉलेज ने भी हमें सिक्योरिटी दी, तो हम लोग सेफली पहुँच गए थे। यहाँ आपको अपने शहर मुरादाबाद में कब आना हुआ, कैसे? मैं अपने शहर में आई हूँ 22 की रात को। अच्छा जी, 22 को मेरी फ़्लाइट थी दिन दोपहर की, तो मैं रात में पहुँची हूँ। तो इसमें भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार से तो हमारा ऐसा सच कुछ कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि उन्हीं का हमारे पास हेल्पलाइन नंबर था, तो वहाँ पे हम उन्हीं को कांटेक्ट कर पा रहे थे। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे क्या बेटी से आपको कैसे संपर्क रहा, कोई दिक्कतें परेशानियाँ? जी, जब वहाँ हमें पता चला कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो अपने हक को लेकर सड़कों पर हैं और पूरी तरह से आंदोलित हैं, तो वहाँ आंदोलन इतना उग्र रूप ले जाएगा हमको ये भी अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पर तो
ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, जब आगे बसें जलाई गई और क्या क्या हुआ। और हम लोग तो जब परेशान हुए जब वहाँ पर नेट बिल्कुल बंद कर दिया था, संपर्क सूत्र हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, पूरे बांग्लादेश में किसी से हमारा कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। और व्हाट्सएप कैसे आपका संपर्क हुआ कैसे? उसके बाद हमने यहाँ पर इंटरनेशनल रिचार्ज कराया, तो उसमें भी अगर हम 400 बार फ़ोन मिलाते थे तो एक बार फ़ोन पे बैल जाती थी, और वो भी बस बात हमें समझनी पड़ती थी कि क्या ये कहना चाह रही है, तो अंदाजे से हम लोग बात समझते थे। तो रात रात भर हम लोग डिस्टर्ब रहते थे, 4:30 बजे हम लोग सोते थे बात कर कर आगे। लेकिन फिर वो ये हुआ कि अचानक इन लोगों ने बनाया सबने प्रोग्राम, इंडियन एम्बेसी ने, कॉलेज जो इनका है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, उसने इनको सपोर्ट किया, और फिर इन्होंने अपने टिकट कराए वहाँ पर। टिकट काफ़ी महंगा रहा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, और आपकी कॉलेज ने इनके बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो एयरलाइंस थी उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत महंगे टिकट बेचे। और फिर एयरपोर्ट पे भी जब आना था तो यहाँ के, क्योंकि वहाँ का माहौल ख़राब था, तो एम्बेसी से संपर्क करके कॉलेज ने बाय रोड इनको छुड़वा दिया। वहाँ आर्मी ने, जो वहाँ की लोकल आर्मी थी, उसने भी इनको प्रोटेक्शन दिया। और उसके बाद जब यहाँ आए तो एयरपोर्ट पर इनको 12-13 घंटे वेट करना पड़ा प्लेन के लिए अपने, और फिर प्लेन भी वो जब उड़ा था वहाँ और ज़्यादा ख़तरा हो गया कि हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच गए इनको रिसीव करने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता ही चला, अब कब जाना होगा इनका, वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पता ही चला कि जिस प्लेन से उनकी टिकट थी वो प्लेन जैसे ही उसने टेक ऑफ करना चाहा उसी टाइम वो प्लेन जो है वो बिल्कुल ज़मीन में बैठ गया, उड़ ही नहीं पाया ऊपर, टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा परिवार और ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन फिर एयरलाइंस वालों ने जो 3 बजे की फ़्लाइट थी उसे फिर उन्होंने और उसको आगे बढ़ाया, और 7:30 बजे ये बच्ची जो है वहाँ से इनकी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। फिर रात को 11 बजे यहाँ पर आई, जब यहाँ पर 11 बजे आ गई तब उसके बाद हम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। लगभग 5-6 दिन हम लोग अब स्थिति वहाँ सामान्य है कैसे? वहाँ की स्थिति अब पहले से तो बेटर है, नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है, वाईफाई स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी कॉलेज में 3 हफ्ते की छुट्टी भी कर रही है, उसके बाद देखते हैं जैसे होता है जाएंगे बच्चे को भेजेंगे। 3 हफ्ते की दी है। अब आप कब जाना चाहेंगे, कब जाएंगे आप? जब भी हम लोग जब भी हम लोगों को लगेगा कि सिचुएशन स्टेबल हो गई है वहाँ पे, अब माहौल ठीक है, हमें कोई खतरा नहीं है, तो अब हम लोग सारे एक साथ जाएंगे जितने भी बच्चे वापस आए हैं। ठीक।